गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मटर का यूज़ हम सभी लोगों के घरों में हर रोज़ ही होता है। आजकल आप देख रहे हैं सर्दी का मौसम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है और मटर मार्केट में आनी धीरे धीरे करके कम हो गई है। मटर को प्रिजर्व करने का ये सबसे सही टाइम होता है। इस समय जो है ना मटर सस्ती होती है और मोस्टली मटर के जो दाने होते हैं वो कंप्लीट तरीके से बड़े हो चुके होते हैं। ये मटर के दाने पके हुए मटर के दाने हैं, मतलब इसमें जो है ना छोटे मटर के दाने आपको नहीं मिलेंगे। जब भी आप मार्केट से मटर ख़रीदने जाएँ आप ध्यान रखें आपको प्रॉपर मोटी वाले मटर लेने हैं जिनमें फलियाँ जो है ना भरी हुई हों, वही मटर लेना है। प्रिजर्व करने का आपको मैं अच्छा सा मेथड बताऊंगी जिससे कि आप मटर को साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 किलो मटर ली है और 2 किलो मटर को मैंने अच्छे से छील लिया है। ये मटर के दाने मोटे मोटे और बड़े से मटर के दाने हैं। इनमें छोटे से दाने जो हैं उन छोटे दानों को हमें निकाल के अलग कर लेना है और बड़े बड़े दाने हमें अलग रखने हैं। छोटे वाले जो दाने हैं उनको हम पहले यूज़ कर सकते हैं और बड़े दानों को हम साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। मटर का यूज़ हर रोज़ ही हमारे घरों में होता है, चाहे वो सब्ज़ी बनाने में हो, पुलाव बनाने में हो, मटर पनीर बनाने में हो और इवन मटर का निमोना बनाने में हो। जब भी मटर का मौसम नहीं होता है तब मार्केट में मटर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है और फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करना कुछ जगहों पर लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे कि बात करें अगर हम मटर के निमोने बनाने की, तो जो फ्रोज़न मटर होती है उसका यूज़ करेंगे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मटर को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसका मॉइस्चर मैंने पूरी तरीके से हटा दिया है। मटर में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो धो के गीले कपड़े सूखे कपड़े से सूखा के भी आप स्टोर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पिछले साल का मटर रखा है जो कि अभी आपको मैं खोल के पैकेट दिखाऊंगी और आप देख सकते हो इसको अच्छे से, ये फ्रेश है और अच्छा इसमें कलर है और ये कायदे से अच्छे से पैक करके मैंने रखा है। आप चाहें तो जिपलॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास प्लास्टिक के बॉक्स हैं आप उसमें भी इसको फिल करके रख सकते हैं। बट सबसे इजी होता है इस तरीके के पॉलीथीन, सभी के घरों में ईज़िली मिल जाते हैं तो हम लोग इस तरीके से मटर को रख लेते हैं। आप डायरेक्ट भी मटर को फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका हरापन एकदम से कायदे से बरकरार है और इसको जब भी हम नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे तो ये एकदम से बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। सो यहाँ पर 1 किलो मटर के दाने हैं जो कि मैंने फ्रीज करके रखे हैं और इनमें अच्छे से ये फ्रीज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं आइस आपको चारों तरफ से दिख रही है। अच्छा, आपको फ्रिज के सबसे ऊपर वाले पार्ट यानी कि फ्रीज़र में आपको इसे स्टोर करना है और इसमें अच्छे से बर्फ़ जम जाने देनी है और जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तभी आप इसको निकालें। 2 या 3 दिन पहले आप फ्रिज से इसको निकाल के बाहर नहीं रखें, अदरवाइज़ इसमें स्मेल आने लगेगी और ये मटर जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। जैसे ही आपको यूज़ करना है आप तुरंत इसको निकालिए, पानी से आप इसको स्ट्रेन कर दीजिए, थोड़ी देर तक नॉर्मल पानी में पड़े रहने दीजिए, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मटर को प्रिजर्व करने का, साल भर तक मटर को रखने का बहुत ही इजी वाला तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेकंड तरीके में ये होता है कि लोग मटर को हल्का सा पानी में ब्लांच करते हैं और उसके बाद उसको आइस क्यूब वाले वाटर में डाल के थोड़ी देर तक पड़े रहने देते हैं, उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से सुखा के, पंखे की हवा में सुखा के और जिपलॉक बैग में पैक करके वो लोग फ्रीज में रख देते हैं। आपको जो भी मेथड आपको इजी लगे आप कर सकते हो। सो यहाँ पर अब मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाने वाली हूँ कि इसे हम यूज़ कैसे करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 kg मटर के दाने लिए हैं जो कि एकदम से जम चुके हैं, ये कड़क हो चुके हैं। इसको हमें यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें मैंने नॉर्मल पानी यहाँ पर डालना मैंने स्टार्ट कर दिया है और आप देखेंगे 1 या 2 मिनट में ही ये मटर एकदम से हरी, फ्रेश और
यूज़ करने लायक हो जाती है। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये प्रिजर्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसके निमोनी की सब्ज़ी जो मैंने बनाकर तैयार की है वो किस तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे फ्रेश मटर की सब्ज़ी बनती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मैंने मटर के निमोने बनाकर तैयार किए हैं। आप देख सकते हो एकदम से कितना अच्छा टेक्सचर आया है, जो कि फ्रोज़न वाली मार्केट वाली मटर में कभी नहीं आ सकता है। सो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एकदम से जो मार्केट से फ्रेश मटर आती है ना, बिल्कुल उसके जैसे ही आपको लग रहा है। अगर आपको मेरे मटर के निमोने की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, डिटेलिंग वीडियो में बनाकर पोस्ट कर दूंगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल दीप्ति राजपूत्स किचन एंड दीप्ति व्लॉग्स को। ऐसे ही ढेर सारे यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट वाले का या फिर ब्लांच करके रखने का, वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।